हेलो डियर, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं पुनः आपका स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअलिटी एक डिवाइन मैम 11-11 में। तो आज आपके साथ मैं कुछ पॉइंट्स शेयर करूँगी जो आपको क्लैरिटी देंगे आपके डिवाइन मैस्कुलाइन के लिए, कि जब वो अवेकन होने से पहले उनमें क्या क्या चेंजेस आते हैं। अगर ये चेंज आप अपने डीएम में देखेंगे तो समझ जाना कि आपके डीएम जो है वो अवेकन होने वाले हैं या हो रहे हैं, ठीक है। क्योंकि कई बार होता है कि हम लोग काम करते हैं, हम मिलते भी हैं, ठीक है, डीएम से, लेकिन समझ में नहीं आता कि वो कब अवेकन होंगे, राइट। तो ये जो पॉइंट्स है, अगर आप उनमें नोटिस कर रहे हैं तो समझ जाना कि बहुत जल्द वो अवेकन हो जाएंगे या फिर वो अवेकनिंग में चल रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें क्लियरिटी आपको इस वीडियो से मिलेंगी, तो वीडियो को पूरा देखना। अगर आप न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, उससे जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक भी मैंने दे दिया है। तो वीडियो को शुरू कर देती हूँ। ये जो रनर चेजर का जो डायनामिक होता है, इसी में ये सारी चीज़ें होती है, क्योंकि ऑन एंड ऑफ चलता है ना, तो बहुत सारी चीज़ों की क्लैरिटी हमें इसी में ही मिल जाती है। तो बहुत ये जो रनर चेजर का डायनामिक होता है, ये बहुत पेनफुल होता है और डिफ़िकल्ट भी होता है। चीज़ें बहुत दर्दनाक और बहुत कठोर होने लगती है, है ना। तो कई बार मतलब हम बेयर ही नहीं कर पाते ये पेन। जो चेज करता है वो बहुत पेनफुल वेटिंग की एनर्जी में रहता है बहुत समय तक, लेकिन आपको आपकी यूनियन के लिए ये जो रनर चेजर का डायनामिक बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है। और जब आप अपने ट्विन के साथ यूनाइट हो जाएंगे तो सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि यूनियन में तो हमें आना ही है और यूनियन होके रहता है, ठीक है। याद रखें, अवेकनिंग एक प्रोसेस है जिसमें डिवाइन के प्लान के अनुसार सब चीज़ें होती है, ओके। और अवेकनिंग जो होती है वो रातों रात नहीं होती, इसे टाइम लगता है। जिस तरह से आपको लगा है उसी तरह से मैस्कुलाइन को भी लगता है। तो धीरे धीरे चीज़ें होती है, लेकिन होती है। तो चलिए जानते हैं कि जब आपके डीएम अवेकन होने से पहले आपको क्या क्या साइन देते हैं, उनकी तरफ से आपको क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं, आप क्या नोटिस करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला साइन यही है कि आपका जो रिकनेक्शन होता है वो बहुत इजी तरीके से होता है। जैसे कि आपने बहुत अच्छा काम किया है और ऑन एंड ऑफ में जो ट्रिगर वाला होता है ना, उससे बहुत बेटर होता है ये, जब वो आपको रिकनेक्ट करते हैं। जब आप दोनों इस कनेक्शन से अनजान होते हैं तो बार बार उन्हें आप चेज करते हैं, उनसे बात करना चाहते हैं, लेकिन जब भी आपने डीएम से बात करने की कोशिश की तब डीएम और ज़्यादा रन करने लगते हैं। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि अभी आपके लिए फिर से जुड़ने का वो डिवाइन समय नहीं आया था। तो जब तक डिवाइन टाइमिंग नहीं आएंगे तो आप कितना भी चेज कर ले, वो कितना भी रन करे, आप यूनाइट नहीं होंगे और काम तो करना ही है, क्योंकि बिना इशू हील किए, बिना कर्मा क्लींस किए कुछ नहीं होता, ठीक है। तो देखिए, ये जो अगर वो आपके रियल ट्विन हैं तो ये जो कनेक्शन है ये दिन बर दिन और बढ़ता जाएगा, और चाहे आप सेपरेशन में भी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए आपको उन्हें कुछ टाइम के लिए लेट गो करना होता है, कुछ समय के लिए उन्हें फ्रीडम देना होता है, क्योंकि फ्रीडम हर सोल को चाहिए होता है, और स्पेशली मैस्कुलिन एनर्जी को फ्रीडम अच्छा लगता है, वो बंधना नहीं चाहते। तो आप जितना चेज करेंगे, जितनी चेजिंग आप करेंगे, उतना ही ज़्यादा दूरी बढ़ेंगे आप दोनों के बीच में। तो खुद को भी स्पेस दें और उनको भी, और अपना डिवाइन टाइम आएगा जब आपका, तो आपका जो रिकनेक्शन होगा वो बहुत इजीली होगा और बहुत बैलेंस वे में होगा, और वहाँ पे एनर्जी किसी भी तरह की ऐसी अजीब नहीं होगी जैसे ऑन एंड ऑफ में होती है, कि वो आएंगे और फिर से रन कर जाएंगे। तो मतलब धीरे धीरे इस तो रनर का जो होता है ना, वो भागने की जो इंटेंसिटी होती है ना, वो कम होने लगती है। तो सबसे पहले यही साइन है। उसके बाद दूसरा साइन ये है कि डिवाइन मस्कुलाइन भी सेल्फ लव की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट, सेल्फ लव की वैल्यू करना शुरू कर देंगे, ठीक है। बेशक इसे होने में टाइम लगता है, उन्हें सेल्फ लव करने में टाइम लगता है, लेकिन ये होता ही है। अगर आप ये नोटिस करते हैं कि आपके मैस्कुलाइन बहुत ज़्यादा सेल्फ लव की एनर्जी में आ रहे हैं, तो समझ जाना कि आपके डीएम की अवेकनिंग अब शुरू हो चुकी है, वो अवेकन होने वाले हैं। क्योंकि इस जर्नी में डिवाइन आपको हर पायदान पर, हर एक स्टेज पर आपको हेल्प करेंगे, चाहे साइन के साथ, चाहे सिंक्रोनिसिटी के साथ, चाहे किसी भी गाइडेंस के थ्रू, लेकिन आपको वही है कि आपको अवेयर रहना है। क्योंकि ये जो साइन, सिंक्रोनिसिटी, ये जो हमें होती है,
इससे हमें पता चलता है कि करंट सिचुएशन में हमारे साथ हो क्या रहा है, हमारे कनेक्शन में चल क्या रहा है। बहुत सारी क्लियरिटी हमें डिवाइन की तरफ से हर एक स्टेज पे दिए जाती है, बस आपको अवेयर रहना है। डीएम का रन करने का कारण भी यही होता है कि वो उन्हें ऐसा लगता है कि वो अपनी पहचान खो रहे हैं, क्योंकि वो फेमिनाइन को हमेशा अपने ऊपर देखते हैं, मल्टी टैलेंटेड, हर चीज़ में परफेक्ट, इस तरह से देखते हैं। और वो नहीं खोना चाहते क्योंकि वो हमेशा लोगों को अपने नीचे देखना चाहते हैं, क्योंकि ईगो का प्रॉब्लम होता है ना इसी वजह से। और साथ में ये भी कि इस कनेक्शन की जो इंटेंसिटी है उससे भी वो बहुत ज़्यादा रन करने लगते हैं। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली ये बात है कि सेल्फ लव और सेल्फिश लव, इसमें बहुत अंतर होता है। तो जैसे आपके डीएम की अवेकनिंग शुरू होने से पहले वो सेल्फ लव की एनर्जी में आएंगे, हो सकता है जिम जाना शुरू कर देंगे, अपने हेल्थ के बारे में बहुत सारी बातें करेंगे, या जैसे हमेशा मैस्कुलिन एनर्जी दूसरों को देना पसंद करती है, बहुत लोगों का ख्याल रखती है लेकिन अपने बारे में कभी सोचती नहीं। लेकिन जैसे ही वो सेल्फ लव की एनर्जी में आएंगे तो वो अपने ऊपर ध्यान भी देने लगेंगे, जो उन्हें अच्छा लगता है वो करने लगेंगे, एक तरह से बोलूँ तो खुद के लिए जीना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो समझ जाना कि बहुत सही से जा रहे हैं और बस अब अवेकनिंग का समय आ गया है, अवेकन होने का, राइट। उसके बाद तीन नंबर है कि वो बहुत ज़्यादा, मतलब आपके मैस्कुलिन बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव हो जाते हैं। जब भी आप दोनों एक दूसरे के आसपास होते हैं तो वो आपको बार बार छूना चाहेंगे, आपकी तारीफ भी करेंगे, जो बहुत डीप और मीनिंगफुल होगा। वो खुद को, जो उनके जो इमोशन है जो हमेशा वो छुपाते थे, जैसे खुलकर बोलना नहीं है, हमेशा थ्रोट चक्रा पे अटके रहना, तो वो सब बातें यहाँ पे नहीं होंगी। धीरे धीरे वो उनके जो इमोशन है सब आपके साथ एकदम फ्री, एकदम जैसे कि एक फ्रेंड की तरह शेयर करने लगेंगे, और बहुत गहराई से वो डीप लेवल से शेयर करेंगे। उनमें कुछ भी झूठ नहीं होगा, कुछ भी मैनिपुलेटिव नहीं होगा। जैसे पहले डीएम आते थे तो इंटिमेसी की बातें करते हैं ना, बहुत सारी बातें इमोशनल होके इंटिमेसी करके फिर भाग जाते हैं। लेकिन जब वो अवेकन होने के पायदान पे होते हैं, मतलब लगभग अब अवेकन हो रहा है वो बंदा, तब वो बार बार आपको छूएंगे। ऐसा नहीं है कि बुरी तरह से, बहुत एक प्योर होगा, उनके छूने में भी एक प्योरिटी होगी, उनके बात करने में, उनका जो बोलने का या बॉडी लैंग्वेज आपको समझ में आ जाएंगी। और इतना ही नहीं तो आप अपने डीएम की आँखों में देख सकेंगे कि उनके आँखों में अगर आप देखेंगे ना, तो वो एक स्पीचलेस वाली आपको फीलिंग आएंगी। स्पीचलेस मतलब आप ना बोल पाएंगे और ना उन्हें बता पाएंगे कि आप कैसा फील कर रहे हो, और वो भी शायद, ठीक है, क्योंकि डिवाइन मस्कुलाइन की आँखें कभी भी झूठ नहीं बोलती, कभी भी नहीं। अगर वो आपके रियल ट्विन हैं तो आप ज़रूर नोटिस करें उनकी आँखों की तरफ कि मतलब उन्हें बोलने की ज़रूरत नहीं होती है ना। ये बहुत डीप और गहरा कनेक्शन होता है जो हमारे आत्मा से निकल कर आता है, और इसके लिए हमें शब्दों से ज़्यादा हमारी जो बॉडी लैंग्वेज होती है या फिर हमारी आँखें होती है वो सब कुछ बोल देती है। तो कई बार पता है डीएम और डेव एक दूसरे को मुस्कुराते ही मतलब सारी चीज़ें सॉल्व हो जाती है, कई बार होता है ऐसा। तो जब आपके मैस्कुलिन बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव हो जाते हैं अपने इमोशन के लिए या फिर किसी भी चीज़ के लिए, उनके लाइफ में जो भी चल रहा है, तो आप समझ जाना कि अब ये अवेकन हो रहे हैं, अवेकन होने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद ये भी है एक साइन कि वो आपको आगे बढ़ने में और ज़्यादा हेल्प करते हैं। जैसे वो आपको उन हिस्सों से मिलाएंगे शायद आज तक आपको पता ही नहीं है, राइट। जैसे वो आएंगे कि हम लोग बोलते नहीं कि वो हमें ट्रिगर देते हैं और हमारे अंदर के इशू बाहर निकालते हैं, तो उसी तरह से जब वो आएंगे, मतलब अवेकन होने का टाइम जब उनका आता है, तो आप नोटिस करेंगे कि मैस्कुलिन आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने लगेंगे। आपके अंदर की जो खूबियाँ हैं उस पर वो एक तरह से लाइट डालेंगे, और आपको समझ में आएगा कि हाँ, ये मेरे अंदर है, मुझे इस पर काम करना चाहिए। जब आप दोनों सेपरेट होते हैं तो यहाँ आप अपने ऊपर काम करते हैं तो उनके ऊपर भी अपने आप से काम होता है, क्योंकि हमारी सोल एक है भले ही हम दो बॉडी में हैं, ठीक है। तो जब आप उनसे दोबारा मिलते हैं तो आप नोटिस करेंगे कि वो भी आपसे ऐसी बातें बोलेंगे कि जो आपके लिए नहीं होंगी, बहुत शॉकिंग भी होंगी। कभी कभार वो स्पिरिचुअलिटी के बारे में भी बात कर लेंगे, बहुत डीप बातें करते हैं, मैस्कुलिन एनर्जी बहुत समझदार होते हैं, ठीक है। तो आप ये नोटिस करना कि
मतलब आपको समझ में आ जाएगा कि ये बंदा मुझे कुछ अलग सा लग रहा है, क्योंकि ये समय इसीलिए आया है क्योंकि फेमिनाइन आपने भी बहुत अच्छा वर्क किया है, तभी ये चेंज आपको आपके मैस्कुलाइन में दिख रहा है। अगर आप बोलोगे कि हम अभी अभी सेपरेट हुए और मैंने कुछ काम नहीं किया और मेरे मैस्कुलाइन की अवेकनिंग मतलब वो अवेकन होने लगेंगे, तो ऐसा नहीं है। इसके लिए आपको सबसे पहले आपको ही मेहनत करनी पड़ती है, तो ये आपके मेहनत का फल आपको डिवाइन की तरफ से दिया जाता है। वो आएंगे और ऐसी बातें करेंगे जिससे आप शॉक हो जाएंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा, और कहीं ना कहीं अगर आप नोटिस करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो बातें उसने बोली ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप एक बात हमेशा ध्यान रखें कि अगर आप एक डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी में हैं तो वो भी आप ही की सोल है, वो आपके सोल का एक पार्ट है, वो हिस्सा है आपका, और वो भी डिवाइन मस्कुलाइन है, राइट। तो आप दोनों की जो कॉन्शियसनेस है वो हमेशा एक रहती है, और ये ना भूले कि हमारा मिशन भी कहीं ना कहीं एक ही होता है क्योंकि हम एक हैं, राइट। तो अगर आपके डीएम के अंदर इस तरह का चेंज आप देख रहे हैं कि वो पहले सपोर्ट नहीं करते थे, आप सपोर्ट करते हैं, आगे बढ़ने की बातें करते हैं, आपको हेल्प भी करते हैं, जो चीज़ें जो बातें जो काम उनको पसंद नहीं था अब उसी के लिए वो आपको गाइड करते हैं, या फिर जो भी, समझ जाना कि आपके जो मैस्कुलाइन का है वो अवेकन होने जा रहे हैं या फिर हो रहे हैं। तो नेक्स्ट साइन ये है कि आप दोनों का सोचने का तरीका जो है ना वो बहुत ज़्यादा सेम हो जाता है, जैसे एक सिंक्रोनिसिटी होती है ना, सेम टू सेम इस तरह से, मतलब जैसे आपके दिमाग में कुछ चल रहा होगा तो वो वही सवाल का जवाब देंगे, या आपको पता चलेगा कि वो आपको मिलना चाहते हैं, आपको पहले से ही पता चलेगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें सेम होने लगती है। अगर उनका कॉल आने से पहले ही अगर वो कॉल कर रहे हैं तो आपको पता नहीं है, लेकिन अचानक से उनका कॉल आने से पहले ही आपको पता चलेगा कि उसका कॉल आने वाला है, और बातें सच भी होती है। और इस सारी बातों को आप अगर बहुत ज़्यादा नोटिस करते हो तो तब समझ जाना कि आपके पर्सन अवेकन होने वाले हैं। ये बहुत एक स्ट्रॉन्ग साइन है, इसका मतलब आपकी सोल एक बार फिर से बैलेंस में आना शुरू हो चुकी है अपनी डीएम से, और आप सही रास्ते में हैं, आपके डीएम और आप दोनों ही। तो ये जो सिंक्रोनिसिटी वाला या सेम सेम थॉट वाला जो है ना पैटर्न, ये बहुत सही है, मतलब ये होता ही है। बहुत सारी चीज़ें अगर आप दोनों बात भी कर रहे हो तो आपको पता चलेगा कि आपके दिमाग में जो सवाल है ना वो पहले ही जवाब दे देंगे। अगर आप कुछ सोच रहे हैं तो वो उसी पे चर्चा करेंगे, आपके साथ बातचीत करेंगे, और आप बोलेंगे उनको कि मैं ना यही सोच रही थी और तुमने ये बोल दिया, तो मतलब बहुत सारे पैटर्न सेम होने लगते हैं। तो समझ जाना कि आपके जो डीएम है वो सही रास्ते पे है, और एक बहुत स्ट्रांग साइन है ये कि वो अवेकन होने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद ये एक साइन ये है कि आपके डीएम भी एक इम्पैक्ट की तरह फील करेंगे। वैसे वो इम्पैक्ट होते हैं क्योंकि वो भी डिवाइन मस्कुलाइन होते हैं, लेकिन वो अवेकन नहीं होते, तो ये सब बातें उनके समझ में नहीं आती, ठीक है, या फिर मैं बोलूँ वो समझना ही नहीं चाहते। जब वो अवेकन होने के बारे में होने लगते हैं तो इस दौरान आपके डिवाइन मस्कुलाइन आपके इमोशन के बारे में बहुत जागरूक हो जाएंगे, मतलब जिस तरह के आपके इमोशन हैं वो बहुत ज़्यादा अवेयर हो जाएंगे, उनको समझ में आ जाएगा। और ऐसा तो मतलब आपके साथ होगा ही, और खुद के साथ भी उनको ऐसा ही होगा कि वो खुद के भी इमोशन से भागेंगे नहीं, समझेंगे, ठीक है, वो आपको बहुत ज़्यादा समझेंगे, आपकी जो आदतें हैं वो उसे भी समझेंगे, भले ही पहले वो उसके लिए बहुत ज़्यादा सारा आपको जज करते होंगे या लोग क्या कह रहे हैं इसकी परवाह ना करते हुए वो उसको समझेंगे। बहुत स्ट्रांग वाली अंडरस्टैंडिंग आपको फील होंगी, जैसे कि पहले उन्हें कुछ अच्छा नहीं लगता था वही उन्हें अब समझ में आता है, भले ही लोग आपको जज करते हो उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उन्हें बस एक नज़र से पता चल जाएगा कि आप कैसा फील करते हैं। और जब वे कहते हैं कि मैं तुम्हें समझता हूँ तो आप उन पर मतलब तुरंत ट्रस्ट करेंगे, आपके इमोशन और उनके इमोशन मर्ज हो जाएंगे क्योंकि वो अवेकन होने वाले हैं, इसीलिए वो इतना ज़्यादा आपसे अटैच या फिर बोलूँ कनेक्शन को फील करने लगते हैं,
उनकी जो फीलिंग होती है वो बहुत प्योर और डीप होंगी और सच भी होंगी। इसमें किसी भी तरह का कोई झूठ या मैनिपुलेशन नहीं होगा। और पता है फेमिनाइन इंट्यूटिव होती है, इंट्यूशन बहुत पावरफुल होते हैं, तो आपको खुद भी समझ में आ जाएगा। अगर आप ऐसा कुछ आपके मैस्कुलिन में देख रहे हैं कि वो बहुत ज़्यादा आपकी इमोशन को समझ रहे हैं, पहले की तरह वो भाग नहीं रहे, क्योंकि हम जब भी इमोशनल हो जाते हैं तो मैस्कुलिन एनर्जी इमोशन से भागती है, पता है, वो रन कर जाती है, उन्हें अच्छा नहीं लगता। तो इस बार ऐसा नहीं होगा। अगर वो भाग नहीं रहे, वो समझ रहे हैं, समझ जाना कि वो अवेकन हो रहे हैं या होने वाले हैं। उसके बाद नेक्स्ट साइन ये है कि आपको आपके डिवाइन मस्कुलाइन में एक पीस, एक ग्रोथ और चेंज देखने को मिलेगा। ठीक है, जब पहले इस कनेक्शन के बारे में अगर DM अगर उनके दिमाग में थाट आते थे तो डिवाइन मस्कुलाइन के अंदर एक फियर आता था, ठीक है, लेकिन अब वो इसे खुली बाहों से, खुली मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से इस कनेक्शन को वो स्वीकार करेंगे या गले लगा लेंगे। इस कनेक्शन या आपके लाइफ में जो भी हो रहा है उन सारी बातों को वो आपके साथ साथ देंगे, आपके साथ रहेंगे। उसका ये नहीं होगा कि मुझे डर लग रहा है, मतलब फियर की एनर्जी कंप्लीट उनकी जा चुकी होंगी, क्योंकि आप धीरे धीरे एक दूसरे को सरेंडर करना शुरू कर देते हैं। आपकी जो ग्रोथ आपकी डिवाइन मस्कुलाइन को फियर नहीं देती, क्योंकि कई बार डिवाइन मस्कुलाइन को फेमिनाइन की जो ग्रोथ है वो इनसिक्योरिटी फील करवाती है। बहुत सारे DM के साथ ये होता है। तो इस बार जब वो आएंगे तो उनको ऐसा कुछ फील नहीं होगा और वो आपको साथ देंगे और वो आपको एक मोटिवेशन की तरह देखने लगेंगे और वो बोलेंगे भी। और जैसे जैसे वो अवेकन होते रहेंगे वो ग्रोथ और ज़्यादा अपने लाइफ में मैनिफेस्ट करेंगे। अगर आपके DM के साथ ऐसा कुछ है कि वो बहुत ज़्यादा पीस की एनर्जी में है, ग्रोथ और चेंज उनमें आ रहा है, पॉजिटिव चेंज अपने कनेक्शन के लिए, ठीक है, इस कनेक्शन की इंटेंसिटी से वो भाग नहीं रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली, तो समझ जाना कि अब वो अवेकन होने वाले हैं या हो रहे हैं। नेक्स्ट साइन ये है कि आपके DM की जो प्रेजेंस है आपको हील होने में हेल्प करती है। ये तब शुरू होगा जब आपको, मतलब आप जब उन्हें देखेंगे तो आपको आपका सप्रेशन वाला दर्द जो है ना वो कम होने लगेगा। क्योंकि जनरली डिवाइन फेमिनाइन डिवाइन मस्कुलाइन के बारे में सोचते हैं तो एक दर्द को भी वो फील करती है जो बहुत ज़्यादा इंटेंस और पेनफुल होता है, जैसे सोल शॉक हो गया या थर्ड पार्टी हो गया है। लेकिन जब आपके DM अवेकन होने लगेंगे तो उनकी जो प्रेजेंस है आपको बहुत ज़्यादा आरामदायक फील होंगी। उनकी स्माइल, उनकी आवाज़, वो जब आपके आसपास होते हैं और बहुत कुछ, ये सारी चीज़ें आपके दर्द को कम करने लगेंगी। ना कर्ज करना, ना ब्लेम करना, ना थर्ड पार्टी को ब्लेम करना, कुछ नहीं, क्योंकि आपने अपनी इतनी अच्छी खासी हीलिंग करी होती है कि आप कंप्लीट समझ जाते हैं कि थर्ड पार्टी एक्चुअल में कोई होता ही नहीं। तो जब आप अपने मैस्कुलिन को देखेंगे ना आपको दर्द होगा, ना आपको सोल शॉक याद रहेगा, ना सेपरेशन, आपको बस एक हीलिंग मिलेंगी जो बहुत ही अच्छा था, क्योंकि आपने चीज़ों को लेट करना सीख लिया है और आप फिर से न्यूट्रल वे में जाके अपने काम पर फोकस हो जाएंगे। तो समझ जाना कि आपके DM अवेकन हो रहे हैं। उसके बाद ये है कि आप एक स्टेबिलिटी को फील करेंगे। DM के अवेकन होने से ठीक पहले आप एक स्थिरता की भावना को फील करेंगे। इंटेंसिटी भी होगी लेकिन ये आप पर हावी नहीं होंगी। आप अपने कनेक्शन की एनर्जी पूरे यूनिवर्स में फील करेंगे। सब स्टेबल स्थिर आपको लगेगा और ये पीस वाली फीलिंग को आप कंटिन्यू फील करेंगे, ठीक है। उसके बाद लास्ट साइन ये है कि आप दोनों जहाँ भी साथ होंगे वहाँ लोगों में एक बहुत ही अच्छी वाइब्रेशन जाएंगी। लोग एक अच्छी वाइब्रेशन को फील करेंगे जिसमें एक पीस होगा। भले ही आप लोगों के सामने अनजान बनकर रहे, अलग अलग रहे, लेकिन उस जगह का जो ओरा है वो उसकी एनर्जी बहुत पीसफुल हो जाएंगी। तो ये थे कुछ साइन जहाँ से आपको कन्फर्मेशन मिल जाएगा कि आपके जो DM है वो अब अवेकन हो रहे हैं। तो होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल। अपना ध्यान रखना। गॉड ब्लेस यू।